Assalamualaikum. Six class. Today we will discuss about next topic of chapter number seven, solution and suspension. Our next topic is solubility and effect of temperature on solubility. Today your diary is learned question number six. Solubility. Solubility ki term soluble se li hai. We can define solubility as the amount of solute in grams to dissolve in hundred grams of solvent at a given temperature is called solubility. वो अमाउंट सोल्यूट की ग्राम्स में जो डिजोल्व हो सकती है हंड्रेड ग्राम ऑफ में एट अ गिवन टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है जो एक सूटेबल टेम्परेचर है जहां पर टेम्परेचर को फिक्स किया गया है उस टेम्परेचर पर वो उसकी सोलबिलिटी कहलाएगी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे हम दो सोल्ट लेते हैं एक हम कॉमन सोल्ट लेंगे एंड सेकेंड वन कॉपर सल्फेट कॉमन सॉल्ट का मतलब है जो हम आम नमक घर में इस्तेमाल करते हैं डेट इज कॉमन सॉल्ट उस सॉल्ट को हम डिजोल्व करेंगे वाटर में और सेकेंड वन कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे हम कॉमन सॉल्ट यानी कि आम नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसके 36 ग्राम को हम डिजोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट के डिजोल्व हो जाएंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक सोलूशन आएगा जिसे हम सेचुरेटेड सोलूशन का नेम देंगे रूम टेम्परेचर पर 36 ग्राम इस सॉल्ट के डिजोल्व हो सकते हैं 100 ग्राम वाटर में इससे ज्यादा अमाउंट में ये सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता ये सॉल्ट ऐड नहीं हो सकता वाटर में अगर आप ऐड करोगे तो वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा डिजोल्व नहीं होगा नेक्स्ट वन कॉपर सल्फेट अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो 24 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक सेचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि की किस तरह से फॉर्मेशन होगी अगर आप रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट को एड करना स्टार्ट करते हो तो ट्वेंटी और हमें एक सैचुरेटेड सोलूशन मिलेगा इसके अंदर अगर आप मजीद कॉपर सल्फेट ऐड करोगे इस टेम्परेचर के अंदर तो मजीद कॉपर सल्फेट डिजोल्व नहीं होगा तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों सोल्व की सोलबिलिटी डिफरेंट है सेम टेम्परेचर पर जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है जो हम आम नमक घर में इस्तेमाल करते हैं वो 36 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम में और हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो 24 फोर ग्राम डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में नेक्स्ट ओपन योर बुक्स पेज नंबर 72 टू एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी आज हम सिर्फ सोलिबिलिटी को डिस्कस करें कल हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी को डिस्कस करेंगे

सोलिबिलिटी डिफरेंट है इनके सेम सोलवेंट में सॉरी वाटर में दोल्यूट इन ग्राम हंड्रेड ग्राम्परेचर इज कॉल्ड सोलिबिलिटीचर वो अमाउंट सोल्यूट की ग्राम में जो डिजोल्व हो सकती है हंड्रेड ग्राम सोलवेंट में गिवन टेम्परेचर पे वो कहलाएगी उसकी सोलिबिलिटी उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर पे सिर्फ ये सोलिबिलिटी कहलाएगी अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो सोलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी next open your notes question number 6 differentiate between saturated solution and unsaturated solution saturated solution a solution in which solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called saturated solution is solution in the solvent mazid solute dissolve karega Ek fixed temperature pe, temperature pe, solution saturated solution second one unsaturated solution A solution in which solvent can dissolve इन solute at कैन मोर temperature एट called टेम्परेचर solution. इस तरह का सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट मजीद solute को dissolve कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन कहलाएगा यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सिक्स को याद करना है याद करके आपने रफ कॉपी या लूज शीट पर लिखना है नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना है थैंक यू